नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था और कमेंट्स भी आ रहे थे यूट्यूब चैनल पे कि सर आपका जो है अमानत जो नॉलेज है वो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर आप ऐसे मतलब एजुकेशन दे रहे हैं और फिर मतलब आप कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किए। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। और उससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज से 7 साल पहले की बात है कि मैंने जो है अमानत का कोर्स किया और प्राइवेट रूप से किया, किसी एनजीओ के अंतर्गत किया हूँ। उसके बाद जो है मोतिहारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अमानत का किया हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों कि इस तरह से ITI लैंड सर्वेयर जो होता है वो भी मैं करना चाहा, बट इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे जॉब चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने वो कोर्स नहीं किया है। नहीं तो मैं वो भी कर सकता था। हालांकि नॉलेज तो सभी प्रकार के हैं, लेकिन ITI के लैंड सर्वेयर से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जॉब में नहीं जाना था, इसलिए मैंने नहीं किया, वरना मैं उसे भी कर सकता था। तो दोस्तों, मेरा जो है अभी वर्तमान में YouTube चैनल से ही लोगों को एजुकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी व्यक्ति हैं अपने हक और अधिकार की जानकारी खुद रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं हमारे भारत में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास कुछ ना कुछ रहने को या फिर खेती बाड़ी के लिए जो मतलब ज़मीन होते हैं वो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अपना हक और अधिकार की जानकारी रखना बहुत ही बेहतर ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने एक स्थिति को देखा है अपनी नज़रों से कि कहीं पे ज़मीन मापी होती थी, अगर वहाँ पर 2-4 अमीन अगर एक साथ आ जाते थे या कहीं सिंगल भी आ जाते थे तो उस स्थिति में क्या होता था। अगर कोई स्टूडेंट किसी अमीन के पास जो जाके बैठे तो उन्हें भगा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय के जो अमीन होते थे उनको मैंने ये देखा है कि वो ये सोचते थे कि ये जो है नए जो भी मॉडर्न युग के लड़के हैं इस चीज़ को नहीं जान सके, नहीं समझें। तो इसको मैंने बहुत बारीकी से सोचा और समझा, तो मैंने सोचा क्यों ना YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को एजुकेट करूं, अपने हक अधिकार के लिए उन्हें जिज्ञासा दूं, जानकारी दूं, और इसके लिए मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, अमानत नॉलेज चैनल है मेरा और इस पर मैं एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। और रह गई इंस्टीट्यूट की बात, तो इंस्टीट्यूट भी मैं चलाता था, कहीं पर 2 महीने, कभी कहीं पर 3 महीने, यानी कि 60 दिन या फिर 90 दिन का ये ट्रेनिंग दिया करता था। बट वो भी जो है किसी न किसी एनजीओ के अंतर्गत दिया करता था, जिसका कि सर्टिफिकेट जो है आपको वैकेंसीज में काम नहीं करता था, काउंसलिंग जब होती थी उसमें छटा जाता था। तो इसलिए जो है मेरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ ट्रस्ट के अंतर्गत जो भी चला रहे थे उनका भी सर्टिफिकेट जो है काउंसलिंग में छटा गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब स्टूडेंट को क्लियर करके ये बता दिया जाए कि चलो इसके अंतर्गत जो है ट्रेनिंग हम लोग नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि स्टूडेंट जो है इस चीज़ से बहुत कुछ सीखे हैं और जो है सो स्टूडेंट अभी भी चाह रहे हैं कि सर आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया है कि जब वो सर्टिफिकेट ही काम नहीं कर रहा है तो मैं क्यों आपसे मतलब पैसा लूँ, ट्रेनिंग दूँ, ये सब बंद कर चुका हूँ। मैं बस सिर्फ ये प्रयास में हूँ कि आप लोग सीखे, समझे, अपने हक अधिकार को जाने। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अमानत नॉलेज चैनल जो है मेरा स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, उसका गोल क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।